फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट. आप आगे भी ऐसी सपोर्ट करते रहे, मुझे बहुत मजा आ रहा है वीडियोस बनाने में आप लोगों के लिए. और ये वाली वीडियो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं पेंटिंग और कोलाज वर्क बोथ टुगेदर. और ये वाला वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए. कभी कभी क्या होता है ना कि एकदम से प्रोजेक्ट दे देते हैं टीचर्स और उनको इम्प्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन टाइम कम होता है. तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू बेस्ट एग्जीक्यूट योर आइडिया इन द मोस्ट क्रिएटिव वे. और जो रिजल्ट आएगा वो देखे तो आपको मजा ही आने वाला है. तो और मेरे पास बहुत ही तगड़ी ट्रिक है आपका टाइम सेव करने के लिए. और जो मटेरियल मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल सा मटेरियल, यू ऑलरेडी हैव इट एट योर होम, सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड. वाइट कलर का A4 साइज पेपर मैंने यहाँ पे लिया है बेस के लिए, हमारे कॉलेज के लिए बेस के लिए, जिसके ऊपर हमें पेंटिंग भी करनी है. तो मेक श्योर इट्स अ थिक पेपर. उसके बाद हमें चाहिए एक पुरानी मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर, जिसमें से हम इमेजेस लेने वाले हैं. सी, आई एम क्रिएटिंग अ थीम बेस्ड कॉलेज वर्क हियर. मेरी थीम है नेचर से रिलेटेड, तो मैं उसमें से हिल्स निकालूंगी, मैं उसमें से एलिफेंट निकालूंगी, बर्ड्स निकालूंगी. तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या थीम लेनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इमेजेस ढूंढेंगे और कलेक्ट ऑल द इमेजेस एंड ब्रेनस्टॉर्म कि हाउ यू वांट टू अरेंज देम टुगेदर. मैंने जैसे ये मैगजीन खोली और मेरे सामने ये एलिफेंट आया, मेरे को इसको देखते ही समझ में आ गया कि मेरे को इसी के ऊपर काम करना है. ऐसे ही आपको जो इमेज क्लिक कर जाए, जिसको देख के आपको आइडिया आ जाए, वो इमेज उठा लो. अब मैं एलिफेंट, मैंने हिल्स ली हैं, हिल्स के आगे मैंने एलिफेंट प्लेस करना है, फिर मुझे स्काई भी क्रिएट करना है. तो इसके लिए मेरे को इस मैगजीन में कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स मिली, तो मैं दो बर्ड्स की पिक्चर्स निकाल रही हूँ अपने स्काई के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि आपको 10 इमेजेस मिल जाए और आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ. ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही इमेज मिले और आपका मन करे कि आपको उसी के ऊपर काम करना है सिर्फ. सब ठीक है, कोई भी इमेज ले लो जो आपको अच्छी लगे, बस उसको पेपर पे कहाँ आपको लगाना है और कैसा आपको बैकग्राउंड चाहिए ये आप सोच लो. तो वो बैकग्राउंड क्रिएट करने की टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, कीप वॉचिंग द वीडियो. टेक्निक आज मैं आपको सिखा रही हूँ, उसका बेस्ट पार्ट ये है कि यू डोंट हैव टू ड्रॉ एंड पेंट एंड फिल कलर्स इन एवरीथिंग. यू आर यूजिंग ऑलरेडी मेड पिक्चर्स जो आप मैगजीन से ले रहे हो, न्यूज़पेपर से ले रहे हो, एंड यू आर जस्ट पुटिंग देम टुगेदर एंड क्रिएटिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्क विच इज़ इन अ वे कम्प्लीटली योर्स. तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी भी सामने आ रही है, आपको काम करने में मज़ा भी आ रहा है, रिजल्ट भी जल्दी निकल रहा है, एंड यू आर नॉट पुटिंग टू मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन इट, एंड द रिजल्ट्स आर ऑसम ऑलवेज. रियलिस्टिक जंगल नहीं क्रिएट करके What I'm doing is I'm adding an element of design in this composition. आप देख रहे हैं मैं पत्तियां कैसे पेंट कर रही हूँ. मैं यहाँ पे acrylic colors use कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास एक्रेलिक कलर्स नहीं है, इफ़ यू डोंट वांट टू बाय एक्रेलिक कलर्स, तो आप पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं.
थोड़ी सी डूडलिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ टू मेक दिस टेक्सचर इवन मोर इंटरेस्टिंग, तो आप भी कर सकते हैं डूडलिंग का। कोई भी डिज़ाइन आप उठा लीजिए, मेरा पिछला ट्यूटोरियल आप देख लीजिए डूडलिंग के ऊपर, यू कैन गेट मेनी आइडियाज़ फ्रॉम दैट ट्यूटोरियल। है ना कितना मज़ेदार। कौन सी आपकी टीचर होगी जो इसको देखकर खुश नहीं हो जाएंगी। चलिए आप कोलाज बनाइए, पेंटिंग कीजिए और मेरे साथ इमेजेस शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसे इस टेक्निक ने आपको हेल्प किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching the video.